जम्मू के जिले कठुआ में मंदिर में हुए दर्दनाक कांड के बाद राजस्थान में एक इसी तरह का मामला सामने आया है। बता दें आपको जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक हनुमान मंदिर के पुजारी पर एक 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने का आरोप लगा है। राजस्थान के अजमेर से ये मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जो मीडिया में खबर सामने आई है उसके मुताबिक मासूम के साथ घिनौनी करतूत करने वाले पुजारी ने बीती 25 अप्रैल को अजमेर के काली छठ हनुमान मंदिर में इस कांड को अंजाम दिया है। खबरों की माने तो अजमेर के बाहरी इलाके कल्याणीपुरा स्थित काली छठ हनुमान मंदिर के पास पीड़िता परिवार के मवेशियों को इकट्ठा करने गई थी, तभी 48 साल के स्वामी शिवानंद उर्फ बलवंत ने कथित तौर पर बच्ची को फुसलाकर मंदिर के अंदर बुलाकर उसके साथ इंसानियत को तार तार किया है। फिर जब माता पिता अपनी मासूम को ढूंढने गए तो वो एक खाली कमरे में मिली और फिर होश में आने के बाद पीड़िता ने सारी आबीती अपने माता पिता को सुनाई। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।